नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला ग्रुप के नजदीक पड़ते कस्बा रैया में एक्टिवा सवार नकाबपोश तीन लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। दुकानदार से मारपीट कर 50,000 रुपयों की नकदी छीन हुए फरार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने चाइना डोर के 900 गट्टों किए बरामद। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर देहात क्षेत्र में नकाबपोश लुटेरों द्वारा हथियारों की नोक पर आम जनता को निशाना बनाकर लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका ताज़ा मामला जंडियाला गुरु के नज़दीकी गांव रैया में सामने आया है, जहां एक्टिवा पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश लुटेरों द्वारा एक स्टोर में घुसकर दुकानदार को जान से मारने की धमकी देकर पहले उसके साथ जमकर मारपीट की और उसके बाद उससे लगभग 50,000 रुपयों की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार पवन कुमार ने बताया कि रैया के फेरुमान रोड पर उसकी इजी वे शॉपिंग पॉइंट नामक दुकान है और कुछ महीनों पहले ही उसने ये दुकान शुरू की थी। देर शाम नकाबपोश तीन लुटेरे उसकी दुकान में दाखिल हुए और उसे गोली मार देने की धमकी दी। जब उसने देखा कि लुटेरों के पास कोई हथियार नहीं है तो उसने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उक्त लुटेरों ने पहले उसके साथ मारपीट की और बाद में उसकी जेब में पड़े 50,000 रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही DSP बाबा बकाला साहिब अरुण शर्मा, SHO ब्यास, इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह और जांच अधिकारी हरदीप सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दुकान नहीं होने के कारण अभी अंदर CCTV कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन बाहर लगे CCTV कैमरों में उक्त लुटेरों के दुकान के अंदर जाने और बाहर जाने की तस्वीरों के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही लुटेरों की तलाश कर उन्हें काबू कर लिया जाएगा। जंडियालापुर से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ये भाई प्रशासन की निगेली आ, ये माड़ा मोटा इतने राउंड राउंड रखते फिर शाम से रश बढ़ा फिर मर रोड से। बिल्कुल, तो वे करके ही है भी इतने चोरों को पता वा कि इधर कोई आता जाता नहीं आ, तो लोग शरेआम ही एक दुकाना कर दे कदों तक कम चलूगा। इतने सुधार चाहिए ना, थोड़ा प्रशासन चाहिए वा भी फिर मान रोड वाले पास शाम जरा वा रोडी डांडी रखन, इधर माड़ा मोटा इधर आन जान, इतने तो आ रश बड़ा रहा फिर मान रोड से कि हर चलू। इन रश के बावजूद भी उन्होंने वालों वही वारदात को अंजाम दे दिया गया। कल किसी भी इदा किसी भी दुकानदार से यह काम हो सकता वा किसी से भी की मांग करते जो मांग यो करते भी आप भी प्रशासन को चाहिए भी थोड़ा बहुत जरा वा शामा टाइम हूँ वा फिर मां रोड वाले पास भी थोड़ा जहाँ भी उन्होंने ऑन राउंड अप करना चाहिए वा भी इधर भी बहुत लोग बुलटा के पटाके मरवाते स्कूटरिया से आते ज कि यह थोड़ा जहा जरा शरारती अंसर नत्थ पाई जाए। मैं अपनी दुकान के अंदर फेरमान रोड के SBI बैंक के नेड़े मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान आ। मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा सी, पहला एक जना अंदर आया जिन्हें नीले पटके के नाल मोना बंदा सी, उन्हें अपना मूँह बनया होया सी। उन्हें आँदे ने मैनू कहा भी जां तैनू गोली मार देनी है तो जां जो कुछ हैगा दे दे। उन्हां को पिस्टल वगैरह भी? मैं पिस्टल वगैरह नहीं, वह कहिंदे जरूर ही पिस्टल कढ़ो तो मारो गोलियां नू, कहिंदे जरूर सीगे। जदों मैं भज के कुर्सी तो बाहर नू आया तो वो नाल दा दूसरा साथी जिन्हें कि मूँह बन्नया होया सीगा उन्हें मैनू धक्का मार के अंदर सुट लिया, तो तीजे ने आके मेरे बाहर वाला शीशा लॉक करता तो मेरे नाल हथों पाई होए। जदों मेरे नाल हथों पाई होए तो उन्होंने मैनू काफ़ी घसुन मुके मारे। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੇਰੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ? ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋਪ ਖੋਲੀ ਨੂੰ, CCTV ਵਗੈਰਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਲੇਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 900 चाइना डोर के गट्टू बरामद किए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अखिल दुआ और सुभाष दुआ निवासी निजतम नगर जालंधर ने अपने घरों में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली गैर कानूनी चाइना डोर रखी हुई है। इस सूचना के आधार पर थाना डिवीजन 5 जालंधर में मामला दर्ज किया गया। CP स्वपन शर्मा ने बताया कि सूचना के बाद आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इन व्यक्तियों के घरों से 900 गट्टू अवैध चाइना डोर बरामद की गई। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री स्वपन शर्मा जी IPS कमिश्नर पुलिस जलंधर जिन्हों के दिशा निर्देशों से शहर के जिड़िया पाबंदीशुदा चाइना डोर जिदे CI इंस्पैक्टर सुरेंद्र कुमार की टीम ने रेड करके 900 गट्टू निजामत नगर को रिकवर किए जिदे तहत 131/24 डिवीजन 5 के केस रजिस्टर किया कंदूआ से सुभाष। आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशन वेलफेयर एसोसिएशन जालंधर की ओर से राज्य स्तरीय आयुर्वेद महासम्मेलन 24 नवंबर 2024 दिन रविवार को गुलाब देवी अस्पताल के नर्सिंग हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर BD शर्मा ने बताया कि ये राज्य स्तरीय आयुर्वेद महासम्मेलन सुबह 9 बजे ज्योति प्रज्वलित कर आरंभ किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से आयुर्वेदिक डॉक्टर शामिल होंगे। और आप सब आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशन वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित डॉक्टरों से प्रार्थना है कि इस राज्य स्तरीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन में समय पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें एवं भगवान धन्वंतरी जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आयुर्वैदिक मैडिकल प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन जलंधर वालों आयुर्वैदिक महासम्मेलन एंड भगवान धन्वंतरी जी उत्सव जो 24/11/2024 दिन एतवार को गुलाब देवी हॉस्पिटल दे विच नर्सिंग हाल दे विच मनाया जा रहा। तो मेरी सारे जिन्हें भी मौजूद डॉक्टर वैद साहिबान हैं सारियां नूं बेनती है कि महाराज जी का आशीर्वाद आके प्राप्त करो। इस जो साडा मेला आ जिहड़ा आयुर्वेद के उपराले लई के आयुर्वेद का उच्चा स्थान किदां ना किदां बन सके उसके वास्ते आपां सारे ने योगदान अपना पाना है ताकि आयुर्वेद की जिहड़ी महत्व है जिहड़ी है वह जिस तरह अपने त्रेता युग के श्री राम जी जदों लंका के जाते हैं तो उत्थे लक्ष्मण जी रावण के नाल लड़ाई मेघनाथ की लड़ाई होंगे वो मूर्छित हो जाते मूर्छा खा जाते उस वेले का चलिया हुआ ये समाज जड़ा आ उस वेले भी शरणा वैद न लिया के लक्ष्मण जी ने सर्जित किया जाता तो वो जड़ा है आयुर्वैद की प्रणाली जी है वह हजारों सदियों पुरानी चली आ रही है। उस आयुर्वैद को आप बढ़ावा देना है और उसनों सदा हमेशा लई जिंदा रखना है वो जिंदा रखने के लिए तुहाडा सारयां दा सहयोग चाहिए। इन्हें शब्दों के नाल मैं सारे एक बार फिर बेनती करता कि सारा वैद समाज सारे डॉक्टर समाज हर वैद के ज्ञाता जिन्हें भी हैं सारे जिहड़े हैं इस फंक्शन दे विच आके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। धन्यवाद। अखिल भारतीय PNB पेंशनर्स एंड रिटायर्स एसोसिएशन जालंधर मंडल की साधारण सभा बैठक एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष ML गुप्ता की अध्यक्षता में रेडक्रॉस भवन में संपन्न हुई, जिसमें 450 से अधिक रिटायर्ड पेंशनर्स ने भाग लिया। बैंक के जोनल हेड अमृताभ आनंद और बतौर मुख्य अतिथि बैंक के जालंधर मंडल प्रमुख HS रंधावा विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष लखबीर सिंह और मंडल सचिव KR चैन द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का पुष्प गुच्छ से विधिवत स्वागत किया गया। अखिल भारतीय महासचिव शोकहरण प्रसाद सिंह और अखिल भारतीय परामर्शदाता KD खेड़ा मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हुए। एसोसिएशन के मंडल सचिव KR चैन ने सचिव रिपोर्ट पढ़ी।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्त हो चुके सहकर्मियों के योगदान से पीएनबी वर्तमान गरिमामयी स्थिति में देश का अग्रणी बैंक बना है। तो वहीं सभी पदाधिकारियों ने अपने संबोधन के माध्यम से देश में बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर विस्तृत चर्चा की और सुनिश्चित किया कि मंडल की सभी शाखाओं में अभी सेवानिवृत्त सहकर्मियों को उचित सम्मान दिया जाए। इस अवसर पर वर्ष 2025 के लिए एक विशिष्ट कैलेंडर भी जारी किया गया। इस अवसर पर सभा के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक चंद्र खुराना, हर्षवर्धन शर्मा, जतेंद्र बेरी, आर के कौशल, बीबी धीर, गुलशन अरोड़ा, जे एस शर्मा, सुरेंद्र पुजारा, एसपी चोड़ा, आईएएस निज्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। मंच का संचालन अशोक बजाज और गुलशन अरोड़ा ने किया और अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तो मैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि हम एक मिनट के लिए शांति का उनके लिए हम उनको श्रद्धांजलि दें, एक मिनट का मौन करें। तो मैं उनके नाम अभी बोलता हूं, उसके बाद सब बैठे बैठे ही हम लेवल पे अगर फर्क नहीं पड़ता है और अगर कोई वेलफेयर की चीज स्टाफ के लिए हो रही है जो कि हमारे लिए साथ जाती है। हालांकि ये एग्रीड इशू है कि हमें 15 साल में उसका भुगतान होना, हमारे बहुत सारे साथियों में 15 साल हो चुके हैं जिन्हें रिकॉग्निशन दी डिडक्शन दी डिडक्ट जब हम सब आपके बहुत देर तो डिमांड थी। एसोसिएशन ने खुद हाई कोर्ट में केस लेके स्टे लिया और उसका कंटेंप्ट केस भी फाइल किया। मेरे वालों उन्होंने बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा हिसाब ना सिर्फ पटेल जलंधर संघ है जो आज इंडिया लेवल पे इतना बढ़िया नंबर एक पे चल रहा है। इसका जो शेयर है के आर जैन जी, लखवीर जी, पूरा एग्जीक्यूटिव टीम, इतने सारे साथी जो इतने बैठे हो उन्हें शेयर जान रहा है। असि साथ बनाने हैं वो बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा और नाल वाली बहुत बहुत धन्यवाद भी करता अपने वालों टू द टीम एंटायर टीम जी इस कामयाब अरेजमेंट लई। मतलब ये नहीं है कि हफ्त नहीं, मतलब फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग और हर एक दे विच असेंबली पिछे नालों ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत बहुत इन्हों मुबारक। तीसरी तकरीबन मीटिंग जी मैं अटेंड कर रहा हूँ इतने और हर बार जिस तरह जैन साहब ने कहा कि साढ़े मैंबर बढ़ते जा रहे हैं, मैंने हर बार लग रहा है कि शायद कुर्सियाँ घटती जा रही हैं। जैन साहब ने अगली बार बड़ा हॉल देखना पड़ेगा जरूर। रही गल अगर सर्कल की गल करा, मैं लास्ट टाइम भी थोड़े नाल डिस्कस किया कि जोड़ा सर्कल है, सर्कल ऑफिस हमेशा जोड़ा मेरे स्टाफ ने जो मेरे गहरी ने जिन्होंने आ मेरा सर्कल इस लैवल तक पहुँचाया, जिन्हें मेहनत में इतने पहुँचा है, उन्होंने वास्ते सर्कल ऑफिस हमेशा ही खुला है, मेरा नंबर हमेशा ही अवेलेबल है। वो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें आपको जो जो एडवांटेजेस मिल रही है वो सर आपका हीमोग्लोबिन, ईएसआर, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, ब्लड शुगर फास्टिंग, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, सीरम क्रिएटिनिन और प्लस ही आपका 6 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवरेज भी उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारी यही आप सब मेरी जिंदगी क्वेश्चन करेंगे आपकी कहा के तो गए थे अभी फिलहाल नहीं,
तो 30 साल से नहीं मिला है। हमारी उम्र तो 70 के बाद जो हो गए ना, और 30 साल से क्या क्या होगा। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर की लंबर कॉलोनी पार्क एवेन्यू शिव एनक्लेव और मेन रोड पर जो स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थी उसे इलाका निवासियों के कहने पर प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवाल द्वारा लगवा दिया गया है, जिसके चलते सभी इलाकावासियों की ओर से समाज सेवक अजय कुमार पीवाल का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अंकित, पुलकित, रोहन, करण, सुदेश, विजय, पवन, रोहित, शीला, कविता, पूनम व रजनी भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हाँ जी, असी निवासी लंबड़ कलोनी दे साडे ही एरिए दे विच लाइटां दी बड़ी प्रॉब्लम सी। असी बहुत जणिआं नाल कॉन्टैक्ट किया, साडी किसी ने नहीं सुनी, तो असी एंड ते आके अजय भाई ना साडे अजय भाई वड्डे भाई उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने साडी फरियाद सुनी। तो साडे आ देखो तुसीं देख सकते हैं लंबड़ कलोनी दे विच लाइटां सारियां जग गईआं वा। हुण मतलब इत्थे साडे बच्चे भी शाम नूं खेलदे तां सप्प कीड़े दा बहुत डर, जिद्दां पिछे देखदे तुसीं खेत आ इत्थे सप्प कीड़े दा भी बड़ा डर सी, पर किसी ने साडी फरियाद नहीं सुनी। साडा काम एट द एंड अजय भाई ने किया, तो असी बहुत बहुत उन्होंने थैंकफुल हाँ। नमस्कार जी, मैं अजय पिवाल सोशल वर्कर दीपनगर तो जी। जिदा तुहानू पता ही स्ट्रीट लाइट की बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम सी लैंबड़ कलोनी शिविंग क्ले होर दो तीन कलोनिया चे। उस कलोनी नू अज जिनी भी लाइट की सुविधा से उपलब्ध कराती गई है, होर भी किसी भैन भरा की कोई कंप्लेट हो मेरे मोबाइल नंबर पर कंप्लेट कर सकता जी। ताड़ी सेवा जो हमेशा हाजिर हैगे हैं तो है रवेंगे। जय सीताराम जी। जालंधर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिवस पर सातवीं वैष्णवी भारती जी ने प्रहलाद प्रसंग के माध्यम से भक्त और भगवान के संबंधों पर प्रकाश डाला। तो वहीं कार्यक्रम में दीपक बाली, राजविंदर कौर थियाड़ा, डॉक्टर नवजोत अधैया, राजेंद्र बेरी, सुभाष सौंधी, ब्रिगेडियर एसके कौल, गुलशन अरोड़ा, वीरेंद्र सचदेवा, हरदयाल यादव, विक्रांत शर्मा, राजेश भट्टी, अमित सहगल, अंकुर अग्रवाल, अजय सचदेवा, संजय अरोड़ा, प्रवेश कुंडाटी, अनूप ढिंगरा सहित अन्य प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहीं। वहीं होलिका दहन और नरसिंह अवतार की कथा के साथ भक्तों ने भक्ति के रंगों में सराबोर होकर कथा का आनंद दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्णा, मेरा नाम साध्वी कवल भारती है। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनके शिष्य हूँ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके माध्यम से आप इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत ही भक्त श्रद्धालुगण बड़े उत्साह से प्रतिदिन इस कथा को सुनने और श्रवण करने आते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज होली महोत्सव है, जिसकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से की गई हैं। संगत में इतना उत्साह है इस होली उत्सव के लिए और प्रभु की उस कथा को सुनने के लिए, वो कथा जिसमें हमारे जीवन का मर्म छुपा है, हमारे जीवन का रहस्य छुपा है। परमात्मा को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस जीवन को और सुंदर बना सकते हैं, इसको सुनने के लिए बड़े ही उत्साह से रोज़ भक्तजन इस कथा को श्रवण करने के लिए शामिल होते हैं। और हमारा आपसे भी अनुरोध है कि आप इस कथा को श्रवण करने के लिए ज़रूर कथा पंडाल में आएं। और आपको मैं बता दूं कि जैसे आज होली महोत्सव है, ऐसे ही कृष्ण जन्मोत्सव है। और स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपके बच्चों को कहना चाहूँगी, आज हम एकेडमिक एजुकेशन तो दिला रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है, हम आप अपने बच्चों को लेकर आएँ ताकि वो अपनी धरोहर से जानू हो सकें, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगी, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव है तो कृष्ण भगवान की लीलाएँ आप कल श्रवण कर सकते हैं। कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, वो माखन चुराते थे, लेकिन क्या कृष्ण भगवान माखन क्यों चुराया करते थे, उसके पीछे क्या रहस्य था? कृष्ण भगवान ने अपने जब वो बाल आयु में थे तो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएँ की। वो बाल लीलाएँ केवल बाल लीलाएँ नहीं थी, उन बाल लीलाओं में बहुत सारे ऐसे मर्म छुपे हैं, ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो हमारे बच्चे और हमें भी जाननी चाहिए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप इस कथा को श्रवण करने के लिए प्रतिदिन पंडाल में आएं, इस कथा का रस पान करें और जानें कि कृष्ण भगवान ने जीवन में अपने जीवन से हमें क्या प्रेरणा दी है, उन
अपने जीवन में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं, इसीलिए आप कथा पंडाल में ज़रूर आएं, कथा का लाभ उठाएं, इस गंगा में स्नान करें, यही अनुरोध है आप सबसे। धन्यवाद। शिव शक्ति मंदिर धर्मशाला अनूपनगर बस्ती दानिशमंदा चरणंधर की ओर से वार्षिक माँ भगवती का जागरण बड़ी धूमधाम से करवाया गया, जिसमें महंत जिंदर एंड पार्टी और गायिका पल्लवी डोगरा ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस दौरान वार्ड नंबर 75 के प्रधान बंसी और पूनम बरनार ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर अश्विनी कुमार, सचिन, पुनीत, सनी, अनमोल, जॉली, पूरन, रवि, संजय, परमिंदर, राममूर्ति सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सवरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भोले बाबा अंत में अंत तेरी माया, शिव जी के मन को सुहाए, शंकर संकट हर राम। We'll be right back.
शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सहजपाल, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय नरेंद्र सहजपाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व CPS के डी भंडारी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, बॉबी नैयर, राजू शर्मा, मास्टर हरिचंद, भूषण कोहली, ललित गुप्ता, लकी, अजय लाली, संजीव साहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा और पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय नरेंद्र सहजपाल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ये मृत्यु लोग है, यहां पर जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जिसका भी आपको भान होता है, संत महात्मा ऋषि लोग कहते हैं वो असत्य है, वो झूठा है। जो सत्य है वो परमात्मा वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव करने के लिए परमात्मा ने हम आप लोगों पर कृपा करके ये उत्तम योनि, उत्तम देह, मनुष्य योनि जो है 84 लाख योनि, ये हम आप लोगों को दिए हैं। आज हम आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं स्वर्गीय श्रीमान नरेंद्र सहजपाल जी, जो सेक्रेटरी श्री महाकाली मंदिर देवी तालाब ट्रस्ट के रहे हैं। देखो, जिसने जीवन पर्यंत परमात्मा की सेवा की हो, मां भगवती के
चरणों में रहा हो तो इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि वो अन्य योनियों में जाएगा। वो जन्म मृत्यु के चक्रों से मुक्त होकर के परमात्मा के धाम में ही जाएगा। परमात्मा के धाम में कौन जाता है, कहा रिश्ते नाते बंधु बांधव कौन है? मेरी माताओं बहनों बंधुओं ध्यान देना इन बातों के ऊपर, बंधु बांधव हमारा कौन है, रिश्तेदार कौन है? कहा वही हमारा बंधु बांधव है। वेद पुराण शास्त्र कहते जो अंतिम समय में जब इन श्वासों को छोड़कर के हम यहां से जाएंगे और पीछे से परिवार, ये अंतिम संस्कार जो है उसे विधि विधान से जब किया जाता है, कहा उस जीवात्मा के लिए रोया नहीं जाता है। 16 संस्कार हैं, दो ही प्रमुख रह गए, एक तो विवाह संस्कार होता है, एक अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इस अंतिम संस्कार को कहा कि मुझे विधि विधान से करना चाहिए। साढ़े बहुत ही सत्कार योग श्री महाकाली मंदिर दस्ते सेक्रेटरी, बहुत ही नेक इंसान, धार्मिक इंसान निंदर जी की अंतिम अरदास के बीच कतर हुए हैं। मौत इस जीवन का अटल सच है। जो भी प्राणी इस संसार आंदा उन्हें एक ना एक दिन जाना ही है। बाणी का फरमान है मरण लिखाए मंडल में आए। इंसान की किन्नी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होएगा, यह सारिया चीजा जन्म तो पहले नहीं सिखाया। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मा राही, अपने सुभा राही, अपनी औलाद राही इधर छापा छट जाते हैं, जिड़े कि भलाए नहीं भूलते। साढ़े बच्चों एक बहुत ही नेक कर्मयोगी और धार्मिक इंसान निंदर चले गए हैं, लेकिन इन्हों के किते काम सानू हमेशा याद दिलाएंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला ग्रुप के नजदीक पड़ते कस्बा रैया में एक्टिवा सवार नकाबपोश 3 लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। दुकानदार से मारपीट कर 50,000 रुपयों की नकदी छीन हुए फरार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने चाइना डोर के 900 गट्टों की बरामद। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।